भाई पिछले साल को भला कौन भूल सकता है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सभी को घरों में रहना पड़ा। ऐसे में लोगों का इंडस्ट्री का काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर लॉकडाउन और कोरोना के दौर में किसी ने फायदा या फिर जमकर लोगों का एंटरटेनमेंट किया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही हैं। बीता पूरा साल तो मानो लोगों ने बस ओटीटी के जरिए ही काटा हो और ये बहुत हद तक सच भी है। जहां लोग परेशान, बोर और अपने स्ट्रेस को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही दूर कर रहे थे, ऐसे में ओटीटी ने भी बहुत फायदा उठाया। वो फिल्में, वो सीरीज जो कि लोगों को पसंद आ सकती थी उनको टेलीकास्ट किया। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर को देख ऐसा कहा नहीं जा सकता कि फिलहाल के लिए बॉक्स ऑफिस का दौर वापस आ गया है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म तो सभी के पास है। ऐसे में बहुत से फैंस अपने चहेते सितारे और सेलेब्स अपना ओटीटी डेब्यू करना चाहते हैं। अब ऐसे में कुछ बड़े सितारों ने तो अपना ओटीटी डेब्यू फाइनल कर दिया है और उसके लिए उनकी तैयारी जोरों शोरों पर है। आज हम आपको उन्हीं सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जल्द ही आपको ओटीटी पर नजर आने वाले हैं। अजय देवगन। बीते कुछ टाइम पहले ही अजय देवगन की डेब्यू की खबर आई थी। उस पर पक्की मोहर लगाते हुए अजय ने अपनी वेब सीरीज का टीजर भी फैंस के साथ शेयर कर लिया है। सीरीज का नाम रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस है जो की हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। अक्षय कुमार। ये तो कहना ही पड़ेगा कि अक्षय कहीं पीछे नहीं रहते, हर जगह बाजी मार ही लेते हैं। फिल्मों में तो अक्षय का हाथ जम ही चुका है और अब वो ओटीटी पर भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। अक्षय अमेज़न की सीरीज जिसका नाम फिलहाल द एंड रखा गया है, इस सीरीज में अक्षय स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं। खुद अक्षय ने इस बात पर अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा था कि मैं पहले एक स्टंटमैन हूँ, उसके बाद एक्टर हूँ। अमेज़न की वेब सीरीज के जरिए मैं एक बार फिर से स्टंट की दुनिया में वापस जा रहा हूँ। हालांकि अभी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान होना बाकी है। ऋतिक रोशन। जी हाँ, बॉलीवुड के गलियारों में ये खबर गर्म है कि इंडस्ट्री के हैंडसम हंग ऋतिक रोशन जल्द ही ओटीटी की दुनिया में एंट्री मारने वाले हैं। वो हॉटस्टार की एक सीरीज जो ब्रिटिश मिनी सीरीज द नाइट मैनेजर के रीमेक में नजर आने वाले हैं। हालांकि सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। शाहिद कपूर। कबीर सिंह उर्फ शाहिद कपूर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, इसकी चर्चा काफी टाइम से चल रही है। लेकिन वो सीरीज कब रिलीज होगी ये फिलहाल सामने नहीं आया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद द फैमिली मैन के राइटर राज एनडीके की एक सीरीज में नजर आने वाले हैं जो अमेज़न पर ही रिलीज की जाएगी। माधुरी दीक्षित। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जल्द ही आप सभी को नेटफ्लिक्स की सीरीज फाइंडिंग अनामिका में नजर आने वाली है। सोनाक्षी सिन्हा। विमेंस डे वाले दिन ही सोनाक्षी सिन्हा ने एक पोस्टर के जरिए अपने ओटीटी डेब्यू का ऐलान किया था। इस पोस्टर में सोनाक्षी पुलिस की वर्दी में नजर आ रही हैं। फिलहाल सीरीज का नाम क्या है वो सामने नहीं आया है, लेकिन सोनाक्षी की पुलिस की वर्दी और विमेंस डे पर पोस्टर रिलीज किए जाने को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वेब सीरीज विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड हो सकती है। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहेते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।